हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम, एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 15 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट, अलग से जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्वोट है, देखिए यह है आज का मोटिवेशनल क्वोट। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो दोस्तों, मेहनत करना ज़रूरी है, हमको जो सपना पूरा करना है, जो लक्ष्य पूरा करना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, वो भी ईमानदारी के साथ में। तो ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको पता है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही फिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप अपनी मेहनत करते रहिए, लगातार जोश के साथ अपनी मेहनत करते रहिए। बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, यह है आज का पहला प्रश्न। भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 सितंबर और 12 अगस्त। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में, इसका मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती हैं। हिंदी दिवस जो मनाने का उद्देश्य है वह है लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनको जागरूक करना। पहला जो आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था संविधान सभा द्वारा। 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। विश्व हिंदी दिवस, देखिए यहाँ पर यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो भारत में मनाया जाता है, भारतीय ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। एक है विश्व हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, मैं एक फ़ोटो लगाया हूँ, हिंदी है हम, ये एक फ़ोटो है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? एलेक्जेंडर जोबरेव, डोमिनिक थीम, रोजर फेडरर, निक लिंडन। तो दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ने अभी हाल ही में यूएस ओपन जीता है, मेंस का सिंगल खिताब जीता है, वो इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने एलेक्जेंडर जोरेव, जो पहले ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है एलेक्जेंडर जोरेव, इसको हराया है फाइनल में और अब ये खिताब जीता है। पहले ये 2 सेट गंवा चुके थे, उसके बाद इन्होंने मुकाबला, अभूतपूर्व मुकाबला खेला और फाइनल मुकाबला जीता। इससे पहले वो फाइनल में 2 बार पहुंच चुके हैं, 2018 और 2019, 2 बार पहुंच चुके हैं और दोनों बार हार गए थे। 2018 में वो नडाल से हारे थे और 2019 में जोकोविच से हारे थे। अभी 2020 में उन्होंने किसको हराया है? एलेक्जेंडर जोरेव को हराया है और अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। यह है डोमिनिक थीम। प्रश्न नंबर 3 देखिए। हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? बदर दुर्रेज अहमद, सौरभ चड्डा, आलोक वर्मा, मोहित अग्रवाल।
सही आंसर ऑप्शन ए है बदर दुर्रेज अहमद, ये इसका सही आंसर है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने 13 सितंबर 2020 को शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान जो न्यायमूर्ति थे सेवानिवृत्त दीपक वर्मा को लोकपाल के पद से हटा दिया है, और जो सेवानिवृत्त बदर दुर्रेज अहमद हैं उनको इस पद पर नियुक्त किया है। दीपक वर्मा को क्यों हटाया है, क्योंकि वो हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं और शीर्ष परिषद का यह मानना है कि एक व्यक्ति दो अलग अलग राज्य इकाइयों में एक ही पद नहीं संभाल सकता, इसलिए उसको इस पद से हटा दिया गया है। ये नीचे देखिए बदर दुर्रेज अहमद हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, कई प्रश्न ऐसे ब्रांड एम्बेसडर से मैं बता चुका हूँ आपको, कियारा आडवाणी के बारे में बताया था, आयुष्मान खुराना के बारे में बताया था, कई उनके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए यह है जूही चावला, इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है जूही चावला। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जूही चावला कंपनी ने बताया कि उसने अपनी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की नई बोरो प्लस श्रृंखला के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस है जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा था। जूही चावला आपको पता है हिंदी फिल्मों में काम किया है, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और 1984 की मिस इंडिया विजेता भी हैं। नीचे देखिए ये हैं जूही चावला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो दोस्तों अजय देवगन, परेश रावल, अनुपम खेर, आयुष्मान खुराना। सही आंसर ऑप्शन डी है आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के साथ में काम करेंगे, यूनिसेफ की सहायता करेंगे। आयुष्मान खुराना ने साल 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो MTV रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। उन्होंने साल 2012 में रोमांटिक जो कॉमेडी विक्की डोनर के साथ में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी विक्की डोनर। ये देखिए आयुष्मान खुराना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्यसभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। स्वामी अग्निवेश, स्वामी दयानंद, स्वामी अतुल, स्वामी जगत मोह। सही आंसर ऑप्शन ए है स्वामी अग्निवेश। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। उनका जो जन्म हुआ था 21 सितंबर 1939 को इनका जन्म हुआ था, और वो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। साल 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी और 1977 में वह हरियाणा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी वो रहे हैं। उन्होंने 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की भी स्थापना की। इसके अलावा ये स्वामी अग्निवेश 2011 में अन्ना हजारे की जो अगुवाई वाली भ्रष्टाचार विरोधी टीम थी उसमें इन्होंने भाग लिया था, उस आंदोलन में भी ये हिस्सा रहे थे। ये देखिए स्वामी अग्निवेश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है। बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन सी है गुजरात। गुजरात एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग जो DPIIT है द्वारा की गई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में यह तथ्य सामने आया है। बात गुजरात की करें तो गुजरात के बारे में देखिए, भारत की पहली पुलिस जिसके पास में टेजर गन है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल। राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर राजधानी है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, कुल जिले 33 हैं, राजभाषा गुजराती है। गठन इस राज्य का हुआ 1 मई 1960 को, मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो बीजेपी के हैं, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 हैं, लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, बेलभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, पर्यटन स्थल हैं सोमनाथ मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर आठ, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सितंबर के पहले शनिवार, सितंबर के दूसरे शनिवार, सितंबर अगस्त के तीसरे शनिवार, जनवरी के चौथे शनिवार। सही आंसर ऑप्शन बी है, सितंबर के दूसरे शनिवार। दोस्तों 2020 में ये सितंबर का दूसरा शनिवार, तो दोस्तों 2020 में ये सितंबर का दूसरा जो शनिवार आया था वो 12 सितंबर को आया था और इसी दिन विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया था। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस इस साल 2020 में 12 सितंबर को मनाया गया था। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इस साल 2020 को कब मनाया? 12 सितंबर को मनाया गया था और यह हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आवासीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संतोष गंगवार, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी। सही आंसर ऑप्शन ए है, संतोष गंगवार इसका सही आंसर है। ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। संतोष गंगवार ने G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने इस बैठक में G20 यूथ रोडमैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया और श्रम बाजार पर COVID-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10 देखिए, हाल ही में किस पूर्वी केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? रघुवंश प्रसाद सिंह, मुरली देवड़ा, सुशील कुमार शिंदे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रघुवंश प्रसाद सिंह इनका हाल ही में निधन हो गया है और निधन 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे लेकिन हाल ही में इन्होंने राजनीति से इस्तीफा दिया था, इस राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दिया था और वे बिहार के वैशाली से लोकसभा सांसद और 3 बार के केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे थे। हालांकि इनका जो इस्तीफा था वो लालू यादव ने स्वीकार नहीं किया था और हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु 13 सितंबर को हुई थी, 13 सितंबर 2020। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 11, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? जर्मनी, जापान, रूस, ईरान। सही आंसर ऑप्शन ए है, जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस का या जो वार्नटैग है भी मनाया, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, 10 सितंबर को से मनाया
जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले जो उपाय हैं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जनता को सतर्क करने के लिए कई अलार्म लगाए गए थे। जर्मनी की बात करें तो राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनियर हैं। मुद्रा यूरो, राजधानी बर्लिन। प्रश्न नंबर अगला दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 12वां प्रश्न। इसके बाद दो प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य में MSME को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी किए हैं? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सही आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राज्य में MSMES को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग की पहल है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसायों को छूट देने के लिए MSME अधिनियम में संशोधन किया है। राजस्थान की बात करें तो राजकोप सिटीजन ऐप ई पास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया था। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए थे राजस्थान सरकार द्वारा। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया एक प्लेटफॉर्म है। आयु एवं सेहत साथी ऐप जो डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए लॉन्च किया गया था। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस के हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। जनसंख्या घनत्व 200 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर है। इसका जो क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर है। गठन इस राज्य का हुआ है 1 नवंबर 1956 को। विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क और राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किसने दी एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? अमेजन, गूगल, फेसबुक और फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, सही आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा कल का प्रश्न था, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था, विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, 10 अगस्त, 15 मार्च, 12 जून और 19 अगस्त। सही आंसर ऑप्शन डी, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।